आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गोकशी की वारदातों को अंजाम देने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने के चलते अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर गोकशियों पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं श्रवण मास में मीट एवं शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा गया। गोकशी की वारदात को अंजाम देने वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गोकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर और श्रवण मास में मीट और शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर जिला मुख्यालय पर उच्च अधिकारियों से मांग की। इस दौरान उच्च अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर श्रवण मास का महीना बहुत पवित्र माना जाता है और इससे जुड़ी सभी हिंदू भाइयों की और हिंदुत्व की बहुत ही बड़ी आस्था है, मगर फिर भी हमारे आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश आगरा के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे गोकशी हो रही है, जिसको रोकने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा रात दिन एक कर रहा है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो तो साथ दे रहे हैं, पर जो छोटे छोटे अधिकारी चौकी थाने में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत से वो कार्य हो रहा है, जिसके लिए हम घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। उसी संदर्भ में आज ज्ञापन दिया गया है कि अगर श्रवण मास महीने के अंदर कहीं भी कोई गोकशी होती है या कोई दुकान खुलती है मंदिर के आसपास, उसको बंद कराने का कार्य पूरी तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा करेगा, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़ जाए। मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है और मैं जिला प्रभारी हूँ हिंदू महासभा से। किस संबंध में ज्ञापन दिया? ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है DM साहब को कि जो आगरा के अंदर गोकशे हैं, जो सारे बाहर घूम रहे हैं, इनके खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत है और हम महोदय से निवेदन करते हैं कि सारे के सारे लोगों को पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको बंद किया जाए। क्या आश्वासन दिया गया आप लोग? DM साहब ने कहा है कि करेंगे। जिला मुख्यालय पर पहुंचे भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि आगरा में गोकशी का व्यापार अवैध रूप से फल फूल रहा है। इस संबंध में हिंदू महासभा द्वारा समय समय पर आगरा जिले के लगभग सभी थानों में गोकशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, परंतु मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा गोकशी की वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके चलते अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा जिला अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया गया है और जल्द ही आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।